जून का महीना चल रहा है, गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, शहरों की सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, लोग अपने घरों में कूलर के सामने एसी के सामने बैठे हुए हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते। इस गर्मी से हर कोई बचना चाहता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग गांवों में अपने घरों में फ्लोर पर दीवारों पर गोबर लीप लेते हैं। इस गोबर की वजह से उनके घरों में थोड़ी बहुत ठंडक बनी रहती है और साथ ही में कीड़े मच्छर वगैरह भी घर के अंदर तक नहीं आ पाते। लेकिन गर्मी से बचने के लिए गोबर का कोई इस तरह से इस्तेमाल करेगा, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अहमदाबाद में रहने वाली मिसेस सेजल शाह के पास टोयोटा की कोरोला अल्टिस सेडान है। यह गाड़ी एक प्रीमियम कार है, इसका एसी भी काफ़ी पावरफुल है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मिसेस सेजल शाह ने गर्मी से बचने के लिए अपनी प्रीमियम कार को गोबर से ही लीप दिया। इस गोबर से पुती हुई प्रीमियम कार ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। एक बंदे ने इस गाड़ी की फ़ोटोज़ लेकर अपने फेसबुक अकाउंट पर डाल दी, उसके बाद वो फ़ोटोज़ वायरल हो गईं। फ़ोटोज़ वायरल होने के बाद न्यूज़ एजेंसी ANI ने मिसेस सेजल शाह से कॉन्टैक्ट किया और उनसे बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि अक्सर वो गाय के गोबर को अपने घर में लगाती हैं ताकि ठंडक बनी रहे, और इस बार गर्मी से बचने के लिए वही गाय का गोबर उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर भी लगा लिया है। उनका कहना था कि ये गोबर ना सिर्फ गाड़ी को ठंडा रखता है, बल्कि इसकी वजह से पॉल्यूशन भी कम होता है। गोबर की वजह से गाड़ी इतनी ठंडी हो जाती है कि एसी चलाना ही नहीं पड़ता, जिसकी वजह से एसी से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस भी नहीं निकलती। ऐसा करने वाली सिर्फ मिसेस सेजल शाह ही नहीं है, इनके बाद टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में काम करने वाले सीनियर डॉक्टर नमनाथ दूदल जी ने भी अपनी फर्स्ट जनरेशन XUV500 को गोबर से लीप लिया। डॉक्टर नमनाथ जी का कहना है कि उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर गोबर की 3 लेयर लगवाई हैं। ये तीनों लेयर्स करीब 1 महीने तक टिकी रहेंगी अगर बारिश नहीं होती है तो। उनका ऐसा भी कहना था कि इस गोबर की वजह से सनलाइट डायरेक्ट गाड़ी के बॉडी के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम रहता है बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में। पूछने पर डॉक्टर नवनाथ जी ने यह भी बताया कि अगर इस गोबर को आप हटाना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी आसानी से हटाया जा सकता है इस गाड़ी को धोकर। इस गोबर की वजह से गाड़ी के ऊपर ना तो कोई दाग लगता है और ना ही पेंट क्वालिटी खराब होती है। लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि गोबर लिपवाने के कुछ समय तक गाड़ी के अंदर गोबर की बदबू जरूर आती है, लेकिन वो भी कुछ समय बाद चले जाती है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें गाड़ी के ऊपर गोबर लगवाने का आइडिया कहाँ से आया, तो उन्होंने बताया कि गौमूत्र और गाय के गोबर के फायदे के बारे में जब उन्होंने पढ़ा तब उन्हें ये आइडिया आया। अब हमें ये तो कन्फर्म नहीं पता कि गाड़ियों के ऊपर गोबर लगवाने से अंदर का टेम्परेचर कम होता है या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि गर्मियों के मौसम में जो सनलाइट गाड़ी की विंडशील्ड और विंडोज से गाड़ी के अंदर आती है, उसी की वजह से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर कम नहीं हो पाता और एसी भी सही तरह से काम नहीं कर पाता। जिससे बचने के लिए हम अपनी गाड़ी की चारों विंडोज पर सनशेड्स लगा सकते हैं, जिसकी मदद से हमारे गाड़ी के एयर कंडीशनर को टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन फिर भी गर्मी चाहे कितनी भी क्यों ना पड़ रही हो, गोबर लगाने से गाड़ी के अंदर सर्द हवाएं क्यों ना चलने लगती हों, लेकिन फिर भी आपने मेहनत की कमाई से अपनी गाड़ी इसलिए नहीं खरीदी कि उसके ऊपर गोबर लीपा जा सके। तो अब बात आती है कि हम ऐसा क्या करें कि गर्मियों के मौसम में भी हमारी गाड़ी के अंदर ठंडक बनी रहे। तो इस चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी ही आपको इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।